SCO मा सॉल्यूशन चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 59 एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप एग्जिस्ट इन अ स्पेस वेयर ए इज इक्वल टू 10 टेक द पोटेंशियल एट 10,22 बी जीरो फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओके तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एक्स डायरेक्शन में, ए कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है, पी पॉइंट है कितना 10,20 और पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू जीरो है और क्यू एक पॉइंट है जो ओरिजिन पे है और हमें पूछा है कि पोटेंशियल एट क्यू कितना है, यानी ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना है। ठीक है तो अपने पास फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, राइट, यानी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का यूज़ कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि आई कैप दे रखा है इसका मतलब सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें सेम जो 58 में किया था वैसे वाई डायरेक्शन में करने की जरूरत नहीं है। यानी डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स, राइट। ओके इंटीग्रेट करते हैं इसको, कहाँ से कहाँ तक हमें करना है इसको, पी से क्यू तक, वी पी से वी क्यू तक, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है एक्स कहाँ से कहाँ तक, पी से क्यू तक, यानी 10 से हम कहाँ जा रहे हैं, जीरो पर जा रहे हैं, ये 10 और ये जीरो, ठीक है, वाई का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ओके तो वैल्यू पुट करते हैं, ये आएगा 10,10 से ज़ीरो और ई एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए एक्स और ये डी एक्स, तो कितना आ जाएगा, यह आएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई टू और 10 से ज़ीरो, सही। ओके तो ये कितना आएगा, वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस ए और ये माइनस 10 स्क्वायर बाई टू, राइट, यानी ये आएगा माइनस ए की वैल्यू कितनी है 10 और 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100 और ये 2, तो 5 × 100 यानी 500 आ जाएगा, 500 क्या आएगा वोल्ट, और वी पी जीरो है तो वी क्यू इज इक्वल टू आ गया 500 वोल्ट।